हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं और रुधीर, कैसे हैं आप लोग? और ये हैं गार्गी फ्रॉम भोजपुरी विजन। सो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्रेजी नंबर वन भैया की न्यू वीडियो देवराज ढोड़ी चटना पार्ट टू। ओके, रोस्ट बाय क्रेजी नंबर वन। ऑफ कोर्स इतना अश्लील गाना है तो उसे एक बार में वो कहाँ ही रोस्ट हो पाएगा। सो इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रील ए भौजी, चलो हम मान लेते नहीं कि तहार पतिया नतिया पाठना बावे। एकरा में सर्वे इतना हिलावे के का जरूरत बावे? अगर गलती से कहीं दोनों लिकर गेल तब कौन जी होई? दुगोला महाराज के दर्शन हो जाई। कैमरा मैन को सब पता है। हमरो लगे दुगोला महाराज दुगो बावे। आई केकरो दुगो सरत नहीं, आई केकरो दर्शन करवाना। लाड़ू चाट लेवे के देखो लो भाई, लोग भौजी के देवर ढोनी चटना बोकरा से हमें कोनो दिक्कत नहीं। क्यों सब ढोनी चटना हो को चाहे लगा चटना हो को चाहे सारा गाना चटना हो, लेकिन भौजी अपन हाथवा जहाँ रख के इशारा करता दिनु और देख के देख के तो कुछ और ही चटना हो इनका देवर बुझाते हुए। अरे अरे रोक 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 YouTube प्ले बटन भी मिल गया है महाराज को। ओ, हम जन एक लाड़ चाट दी। ना भाई, ये इसी टाइप की भाभी की वजह से बदनाम है। ठीक है सर, मैं तो इतना कुकुर ना चाहता, मुझे लड़का लग रहा है, इतनी चाटे के कोशिश कर रहा है। देखो लो भाई लोग, कौन से को सच्चाई बात हम कहे ला बनी। ई भैया जी के आगे नु एगो लॉलीपॉप रख दलो और एगो लाड़ रख दलो, ओकर बाद देखो लो दोनों के चाट के सर भाई यूजर कर दे। अब पूछब के में के दोनों में के कौन लाड़ रहल ते कहे के दोनों के टेस्ट एके जैसा रहल। हाय भगवान जी, मोतिया नोतिया पटना। अच्छा तो तार पतिया नतिया पटना बावे ना, ताई तार पिछला के हवे तार पाहुन ना नाइस सर देवरा। देखो चटवानी है डोली, हम गरियाव ला चाहिए ठीक नु, लेकिन मजबूरन गरियाव के पड़ल। सर भौजी के भातरा पिछवा बावे खवतरी पटना बावे। ए कैमरामैन, ई वीडियो पे गाड़ी नहीं के बनत रे, नेक्स्ट क्लिप लगा दे। ये इशारा तो ऐसे कर रही जैसे पेट ज्यादा भर गया लागत आवे के जोन धार खुजली होती है ना वही तार देवरा बनू वाकई में सर्व लाड़ चटन मतलब धोनी चटना भाई ना मतलब। हाँ हाँ, ये किंग देखा तरह लो सर्व लागत तब के चंदमेरी तो पिए का कोशिश कर उसके एक्सप्रेशन देखो पहले उसका लड़के। हे भगवान, बार बार ढोंढिया के ले खा जा रही उसमें मैं खजुआ तो बोला तार पिछवा जोन भैया बनू मतलब तार भतारा बड़नू उनका से कह लेते खजुआ दिया निम से तारा के देवरा ढोड़ी चटना बा। ओ भाई वाह 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 वाह, का डांस कर ले भैया सारे मतलब भैया जी मतलब देखत रहो सर का हिलावत रहे भाई सर हम एक कैमरा में अगर गलती से भैया जी के नु तो हम लोग स्टेज प्रोग्राम में लेके चल जेबो और कुछ करी चाहे फाड़ दी मतलब लाते होते मार के फक यू मतलब ए भौजी तनी तनी फिर से अगली कहबू कौन जी कहतरु हमर दुनो का लून साला धुक धुक करे। आई हेट दिस टाइप ऑफ कार। उ हमनी के देख के लागते बावे के तहार दुनो बैलून बैलून ना रे सारे फुटबॉल को
वो खुद कह रही हैं तो दूसरा कोई क्यों नहीं कह रहा। जोन बानु भौजी वो हमने के देख के लगते बाबे वो सब धुक धुक ना धक धक करत आवे। अगर तारा तारा आजू बाजू मतलब तारा एक किलोमीटर दूर के दायरा में केहू भी रही तो तार बैलून के धुक धुकाई के वजह से सब का हार्ट अटैक भी आ सकत आवे। और पीछे से अगर इनकी मम्मी आ गई ना डंडा लेके तो बैलून के जगह जगह बारे में खड़े होकर देखेगा भी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं तो आ जाएगी नहीं अपने बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ भी करो लेकिन वीडियो देखने के बाद बड़ा मजा आएगा ना उस पर ऐसे हरकतें मत करो यार। ठीक है सारा वक्त तो ऐसे के ऐसे वीडियो अच्छा लगबे करेला और ना तका ये भौजी बिल्कुल है तुम्हारे पतिदेव के लिए लेकिन हमें क्यों बता रही हो पतिदेव के लिए ही होते हैं पतिदेव के लिए तभी तो सोशल मीडिया पर वायरल कर जाला कोहरा कहो जाला कितने मिलेंगे पता नहीं सब भुला गई अगर कौन चीज रहला रे ए भौजी तू अपन दोनों सेव अपन पतिदेव के खियाओ आई मीन मतलब अपन पतिदेव खाती रखो चाहे हम ना यार हमरा कहाँ मिली गलत बात लेकिन कैमरा मैन ये भौजी इतना सुंदर बाड़ी अगर सर अच्छा अच्छा वीडियो बनती तो कितना मजा आती ना रे सही में लेकिन क्या करबे तो फुटबॉल में पतिदेव में ये कुल में हरान बाड़ी कोनो बात नहीं नेक्स्ट वीडियो लगा दे चूतिया है क्या एक नंबर ब्लू फिल्म बनावे के कोशिश कर रहा था सर ऐसे ऐसे लोगों को गाली देने का मन कर रहा है कौन ढंग के शॉर्ट वीडियो और रील होवे मर दे सर अब डायरेक्ट दबावत आवे वो तो ऑन कैमरा है के अरे सरवा एकरा लो ये ब्लू फिल्म बना लो रे सरवा भाई चोर मत तो भाई लोग देख लो एकने के हम वीडियो देखे नहीं ठीक भाई इनको लोग दुनिया में ये बात यार और इस चीज को ये मजाक बोलेंगे ये कोई मजाक होता है तीन तीन चार महीने से वीडियो देखा था नहीं ठीक बाबे मतलब एक दो वीडियो मतलब जैसे एक दिन में दो वीडियो डाली होला चाहे तीन चाहे हफ्ता में चाटा खेल दो वीडियो डाला था ऑनलाइन में तो उनमें से मतलब आठ वीडियो में मतलब वो कुल के बारे में रहला ठीक ना साला मतलब का यार एगो काम कर हमरा का के भरे खाली निकल रही जो जो तार करे बड़ा दिन कर लिया सारा तोरे न मेहरारो भैया रे के मरवा का गवा का लानवा खाते धो दे के दिखाओ तरे हां सारा यही कुल के वजह से हमरा घर आवे के पड़ला हम एक ना करी हां सही में मरा जा रहा है उसी में अरे सारे के मरा भी अच्छा लग रहा है अरे भयो भौजी कुल का हटाओ रे सर भाई जो अच्छा लग रहा है वो खराब लग रहा है तो देखो भाई लोग कैमरा कर लो हमने चाहते कि हमारा साथ तो बोल रही हूं कैमरा कौन है भैया माई बहन के गाड़ी निकलो तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं होप करते हैं कि तुम लोग वीडियो देख के अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए लो वीडियो देख के कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक मारो लो यार अच्छा ना लगा वीडियो के डिसलाइक भी कर सकते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई लोग तुम लोग का बहुत ज्यादा यार कमेंट रहला कि यार पार्ट टू बनाओ पार्ट टू बनाओ तो पार्ट टू बना दे बने तो भाई लोग तुम लोग के भी फर्ज बन तो वीडियो का शेयर करे तो दबा के शेयर कर लो कोरोना जैसे कोरोना फैल लो तो वीडियो का शेयर कर दलो ना आज जो जरा शेयर ना करी हम मने मने बहुत खराब करी हम ना कहे अगला वीडियो में कोई तो कम ठीक बा। और एक बात भाई लोग तुम लोग से बहुत मतलब डिफिकल्ट है तुम लोग का चैलेंज देवल चाहते देखा तुम के कर लेला एकरा में के सनका बाबा का अपन नाक से लाइक बटन के दबा सकत हो भाई दबाओ लो अभी दबाओ लो ताकत रह दबाओ मर देते नहीं दबा दो ठीक बा देखा तुमने के नाक से दबा लेला कमेंट भी कर दिया वैसे आईडिया अच्छा है भैया का नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाइक करवाने का बेस्ट है ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है इसकी जो लास्ट में आता है ना ये एंड वीडियो में ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी ट्यून क्या तो माय बेटी के अंदर भूत घुसा है ये हाँ नहीं इसकी जो ट्यूनिंग है वो सही लगती है वर्डिंग मैंने कभी नहीं सुनी इसकी नहीं 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 ये पता है ये एक भोजपुरी मूवी का वो है सीन है उसमें एक सीन था तुम्हारी बेटी के अंदर आत्मा है या कुछ ऐसा वो बोल रहा था तांत्रिक था वो ऐसा बोल रहा था सो खैर उसको जान दो यार इस वीडियो में इन्होंने रील्स को रोस्ट किया है जो लोग भी इन गानों पर रील्स बना रहे हैं ठीक है और बहुत ही वाहियात हरकत की तरह से बहुत ही ज़्यादा वाहियात हरकत के साथ ठीक गाना तो अपने आप में है ही है ना अश्लील महाअश्लील और उस पर रील भी बना रहे हैं वो भी भाई देख के इतना वियर्ड लगता है इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि खून खोलता है मन नहीं करता हाथों से गला दबा दूं मैं ऐसे लोगों का मेरा मन ये करता है
ये मतलब नहीं यार इतना लोगों को ये सोच हो गई आजकल देखो कि तुम अपने बॉडी पार्ट्स को हाथ लगाओ कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए वो इंटेंशन दिखता है उस वीडियो में ठीक है कि तुम किस चीज तुम क्या चीज इंटेंड करना चाह रहे हो है ना सीरियस ये सीरियस लगता है यार बहुत ज्यादा सीरियस लगता है उस पर हंसी नहीं आती है ठीक है ना उस डांस को देखकर कोई बहुत ही ज्यादा जेन्युइन फीलिंग आ रही है कि बड़ा रोमांस अंदर से आ रहा नहीं वो रोमांटिक लगता ही नहीं है नहीं है वो ऐसा लगता है रोमांस अलग होता है ठीक है और वल्गैरिटी अलग होती है इन दोनों चीज में बहुत फाइन लाइन होती है और अक्सर लोग इस चीज को पार ही कर देते हैं ठीक है भाई तुम बार बार एक ही चीज को इंटेंड करके वीडियो बना रहे हो तो फिर वो बहुत गलत लगता है ना ज्यादा गलत लगता है वो चीज बहुत गलत लगता है मुझे समझ और पहली बात तो हम जब फीमेल्स को यार हमें यार खुद अच्छा नहीं लगता ये चीज हमारे बॉडी पार्ट्स को ये लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से पता नहीं सेब संतरा मेलन बैलून बॉल फुटबॉल ये सब बोलते रहते हैं है ना चाहे वो हमारे ब्रेस्ट हो चाहे वो हमारे हिप्स हो वो मतलब किसी को भी ऐसे ऐसे नाम से बुलाते रहेंगे इतना खराब लगता है ना इतना ज्यादा खराब लगता है और ये अपने लिए भी कोई मतलब शराफत नहीं है अपने प्राइवेट पार्ट को भी कहीं कुतुब मीनार कहीं कुछ कहीं डंडा कहीं हॉकी कहीं केला मतलब बैंगन खीरा लौकी भाई क्या मतलब भाजी मार्केट खोलना है तुम्हें है? भाजी मार्केट खोलना है यार सीरियसली अगर तुम उस जगह बॉडी पार्ट भी बोल दो प्राइवेट पार्ट बोल दो ठीक है इवन इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं वो बोल दो हिंदी में भी बहुत साफ शुद्ध वर्ड होते हैं उन सब बॉडी पार्ट्स के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए ठीक है तो वो अगर बोल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन ये जो चीजों से कंपेयर करने वाली चीज होती है ना इतना खराब लगता है गुस्सा आता है और इरिटेशन पता है क्या वो जब सामने आप खरीदने जा रहे हो ठीक है सब्जी खरीदने जा रहे हो फ्रूट्स खरीदने जा रहे हो ठीक है वो चीज देख के यही ये सब सामने आता है ये सब दिमाग में आता है कि हाँ अरे गुब्बारा खरीद रहे नहीं गुब्बारा नहीं बैलून है बैलून का क्या वो है सीधे तो ये चीज है भैया खराब लगता है ठीक है चाहे लोगों को लगे चाहे ना लगे मतलब फ्रूट मार्केट बना दिया है लड़कियों को हाँ, लड़कियों को फ्रूट मार्केट बना दिया इनफैक्ट पीछे जो ये केला वायरल गया था ना जो शॉप वाले हैं उनसे मैं केला लेके आती थी वो कहते थे कि मैडम हाफ लेडीज हमारे पास से चली गई है हाफ लेडीज मतलब वो लेती ही नहीं है कुछ शर्म के मारे समझ लो या कुछ भी समझ लो वो लेती ही नहीं है वो पूछने बोलने में शर्म आता है यार बोलने में शर्म आती है भैया ये केला कितना मतलब कितने रुपए दर्जन है मतलब केला तक बोलने में शर्म आता है भाई जबकि वो एक मासूम सा फ्रूट है उस बेचारे को इतना बदनाम कर दिया उसके ऊपर जोक्स बने मीम्स बने उसके उसको वल्गैरिटी में यूज किया इवन कई सारी लड़कियां पता है जो मतलब ये पेटीएम गर्ल्स टाइप होती हैं जो रील्स वगैरह बनाती हैं शॉर्ट वीडियो बनाती हैं बहुत सारी ये बैंगन खीरा लौकी केला ये चार चीजें ऐसी हैं जो वो दिखा दिखा के इस टाइप का इंटेंशन दिखाती हैं सीरियसली यार सही में मतलब अंदर से ना उल्टी वाली फीलिंग आती है कि बस उन्हीं के मुंह पे और मेरा मन पता ये करता है कि मैं सीधा जाके ना जो दो झापड़ झापड़ लगा दूं ऐसा इतनी लगता इतनी तेज झापड़ लगाऊं कि कान के पर्दे ना खुल जाएं आराम से दो तीन मिनट तो यहाँ पे चिड़िया बोलती रहें ची 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 वो सही लगता है मतलब ऐसा है यार भाई तुम्हें रील बनानी है बहुत अच्छी बात है अच्छी रील तुम बोल्ड बोल्ड रील बनाओ तुम रोमांटिक रील बनाओ कैसी भी रील बनाओ लेकिन वल्गर मत बनाओ प्लीज भैया सेक्सी और वल्गैरिटी में बहुत अंतर होता है सेक्सी मतलब होता है अट्रैक्टिव दिखना ठीक है एक फील आ रहा है अंदर से देखकर ठीक उस चीज को बोलते हैं सेक्सी लेकिन वल्गैरिटी की भैया तुमको घिन आ रही है ठीक है वो वल्गैरिटी हो जाती है तो इन वीडियो में वल्गैरिटी थी ना कि सेक्सीनेस तो वो चीज मुझे थोड़ी सी लगी सो अगर आप लोग को हमारे ओपिनियन हमारे रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय